हेलो गाइस, मैं हूं मनीष और आज मैं आपके लिए MIB सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैं आज करूंगा। उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और लाइक अनलाइक मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद करें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, ये है 1997 में आई मूवी मैन इन ब्लैक फ्रेंचाइजी का फर्स्ट पार्ट। गाइस, मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने ये मूवी एक समय पर देखी जरूर होगी, क्योंकि जो भी इंसान एलियन लवर हैं वो ये मूवी कभी नहीं छोड़ेंगे। और बाई चांस अगर आप लोगों से ये मूवी मिस हो गई है तो मैं ये सीरीज आपकी जरूर कंप्लीट करा दूंगा। ये मूवी एक साईफाई एक्शन कॉमेडी मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक के अंदर कुछ लोग बैठे थे जो कि आधी रात में सफर कर रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पर नाके पर उन्हें पुलिस रोक लेती है। पुलिस जब ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की कार आके रुकती है। ये कार थी MIB ऑर्गेनाइजेशन की। अब MIB ऑर्गेनाइजेशन है मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और आखिर क्या करती है, इसके बारे में आपको कहानी के मिड में बताऊंगा। तभी उस कार में से दो लोग उतरते हैं, जिसमें से एक का नाम था एजेंट की और दूसरे का नाम था एजेंट डी। अब एजेंट के उन ट्रक में से उतरने वाले लोगों से कुछ दूसरी लैंग्वेज में बात करता है। सभी उसी लैंग्वेज में उसे रिटर्न भी करते हैं, लेकिन आखिर में वो एक ऐसे इंसान के पास पहुंचता है जो सिर्फ उसकी बातों में हामी भर रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एजेंट की उससे कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है। और उसी समय एजेंट पहचान जाता है कि ये एक एलियन है। यानी कि यहाँ पे जो कार रुकी थी जिसमें से दो लोग उतरे थे वो एक एलियन को ढूंढने के लिए आए थे। अब वो उस आदमी को बाकी सभी लोगों से दूर एक जंगल में लेके जाते हैं और पूछना स्टार्ट करते हैं कि आखिर तुम हमारा देश छोड़कर क्यों जा रहे हो। तब एलियन वहाँ पर उन एजेंट्स को कुछ भी नहीं बताता है और तब वो एजेंट समझ जाता है कि यहाँ पर इन एलियंस को किसी न किसी चीज का खतरा जरूर है, इसीलिए एलियन यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ खड़े पुलिस वालों को कुछ चीज अजीब लगती है, इसलिए वो एजेंट्स का पीछा करते करते उसी जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर खड़ा वो एलियन उस पुलिस वाले को देख के बहुत ज्यादा जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और तभी एजेंट के उस एलियन को मार देता है। और अब एजेंट के एक काला चश्मा पहन के उस पुलिस वाले को बताता है कि तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हुआ। तो वो अपने पॉकेट से निकालता है एक न्यूरोलाइजर। ये एक ऐसा गैजेट है जिसे जिसके सामने चलाया जाता है उसकी याददाश्त चली जाती है, जिससे कि उस पुलिस वाले को कुछ भी याद ना रहे कि उसके आंखों के सामने एक एलियन का मर्डर हुआ है। अब उस पुलिस वाले के साथ में बाकी पुलिस वालों के ऊपर भी ये न्यूरोलाइजर चलाया जाता है ताकि किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता ना चल सके। अब वहाँ पर एजेंट डी बताता है कि मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और तुम मुझ पर अब ये न्यूरोलाइजर इस्तेमाल करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। उसके बाद में एजेंट के वैसा ही करता है, यानी कि अब वो एजेंट डी की सारी याददाश्त गायब कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक अंडरकवर एजेंट एक आदमी के पीछे भाग रहा था और वो जिसके पीछे भाग रहा था वो एक नॉर्मल चोर की तरह नहीं बल्कि काफी रफ्तार से और बड़े चालाकी से भागे जा रहा था। और यहीं पर अंडरकवर एजेंट एक बार के लिए उस चोर को पकड़ भी लेता है और तभी वो चोर अपनी पॉकेट से गन निकालता है जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके की थी, लेकिन फाइट के अंदर वो गन टूट जाती है। तभी वो पुलिस वाला देखता है कि वहाँ पे चोर भाग के बिल्डिंग के ऊपर चिपकते हुए ऊपर चला गया। पुलिस वाले ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी और वो उसके पीछे अभी भी लगा हुआ था। वो भी उसके पीछे पहुंच जाता है जहाँ पर वो चोर भाग रहा था। वो चोर एकदम से टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है और उसी टाइम पुलिस वाला भी अपने गन पॉइंट पर उसे ले लेता है, लेकिन वो चोर वहाँ पर कुछ उल्टी बातें करने लगता है। वो कहता है कि अब वो आने वाला है इस धरती पे। तब पुलिस वाला कहता है कि वो कौन। तब चोर कहता है कि मैं अपने काम में फेल हो चुका हूँ, वो मुझे मार देगा, पूरी दुनिया खतरे में है। इतना कह के वो बस उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और खुदकुशी कर लेता है। कहानी की तीसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि एक घर के अंदर मियां बीबी आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो आदमी एक फार्मर था जो कि अपने खेत में बने हुए घर में रह रहा था। उसको अपने ट्रक से बहुत प्यार था और तभी वो सुनता है कि बहुत तेज से आने वाली आवाज कुछ ना कुछ चीज को उड़ा देती है। वो कमरे से बाहर निकल के जब देखता है तो उसे मालूम चलता है कि उसका ट्रक डिस्ट्रॉय हो चुका है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एडगर की स्किन निकल के आती है, यानी कि एडगर तो अब मर चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी का स्किन बाकी था और उसके अंदर आ चुका था एक एलियन। अब ये एलियन कैसा दिखता है और आखिर क्या है वो आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। अब एडगर अपने घर के अंदर वापस आता है और अपनी वाइफ से कुछ बियर्ड अंदाज में कहता है कि मुझे चीनी दो, और उसके बाद में वो खूब सारी चीनी का पानी पीता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी गर्दन की
स्किन लटक रही है और तब वो अपने हाथ से अपनी पूरी पूरी स्किन को पीछे की तरफ खींच देता है। ये चीज देख के एडगर की वाइफ वहीं पे बेहोश हो जाती है। कहानी की दूसरी तरफ जो पुलिस वाला एक चोर का पीछा कर रहा था, उस पुलिस वाले का नाम था एडवर्ड। अब एडवर्ड से पूछताछ की जा रही थी कि आखिर तुम्हारी आंखों के सामने उस चोर ने कैसे सुसाइड कर लिया। तब एडवर्ड बताने की कोशिश करता है कि वो चोर कह रहा था कि हमारी दुनिया खतरे में है और उसने अपनी जान खुद ली थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो कोई भी लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और तभी वहाँ पर पहुँच जाता है एजेंट के और उसके बाद में कहते हैं कि तुम मुझे बताओ। तब एडवर्ड कहता है कि आप भी मेरी बात नहीं मानेंगे। तब एडवर्ड बताता है कि उसके हाथ में एक गन थी। तो एजेंट के कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो गन दिखाऊं तो क्या तुम पहचान जाओगे। तब एडवर्ड ये बात मान लेता है कि हाँ मैं उसे पहचान जाऊंगा। अब के एडवर्ड को लेके पहुंच जाता है एक शॉप पे, यानी कि कबाड़ी के शॉप पे, जहाँ पे बहुत सारी गन्स भी थी। एडवर्ड कहता है कि मैं इस शॉप पर आया जाया करता हूँ, यहाँ पे शायद तक की गन्स की स्मगलिंग होती हो। अब जब एडवर्ड वहाँ शॉपकीपर को कहता है कि मुझे गन्स दिखाओ, शॉपकीपर वहाँ पे मना कर देता है कि नहीं हमारे पास किसी तरह की कोई गन नहीं है। तभी वहाँ पीछे से के पहुंच जाते हैं और उस शॉपकीपर का सर उड़ा देते हैं। एडवर्ड ये सारी चीजें देख के अपने होश खो देता है। वो सोचता है कि मेरी आंखों के सामने ही शॉपकीपर का सर उड़ा दिया। जैसे ही वो शॉपकीपर को वापस देखता है तो पाता है कि शॉपकीपर का दूसरा सर निकल आया है और अब एडवर्ड को लगता है कि एलियन सच में अर्थ पर रहते हैं। और तभी वहाँ पर वो शॉपकीपर अपनी शॉप की सारी छुपी हुई सीक्रेट गन्स का सूटकेस ओपन कर देता है। अब एडवर्ड उसमें से वही गन पहचान लेता है जो गन उस चोर के पास थी। के उस गन को देख के समझ जाता है कि ये गन एक बग की गन है, कि यानी कि एक ऐसा एलियन जो कि एक काकरोच है, यानी कि बहुत बड़ा काकरोच। और तभी के वहाँ पे न्यूरलाइजर की मदद से एडवर्ड की सारी याददाश्त मिटा देता है। लेकिन उसके बाद भी वो एडवर्ड के साथ में डिनर करता है। वो देखता है कि एडवर्ड काफी स्ट्रांग है और काफी स्मार्ट है और हो सकता है कि वो इस काम को आगे कंटिन्यू भी कर सके। इसलिए डिनर खत्म होने के बाद भी वो मैन इन ब्लैक का कार्ड एडवर्ड को सौंप देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि काकरोचेस को मारने के लिए एक आदमी अपने पास में लिक्विड लिए हुए एक फैक्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ पर वो काकरोचेस को मारने लगता है कि तभी वहाँ पे एडगर भी पहुँच जाता है और वो उस दूसरे आदमी को मना करता है कि इन्हें मत मारो। लेकिन वो क्लीनर वहाँ पे अभी भी अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पे एडगर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि काकरोचेस को मारने वाली मशीन उस क्लीनर के मुंह के अंदर ही डाल देता है। बेचारा वो क्लीनर वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ अब के ने जो कार्ड दिया था, एडवर्ड भी उसी पते पर पहुंच जाता है और देखता है कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। लिफ्ट में जाने के बाद में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ऑलरेडी नेवी और फोर्स के बहुत सारे अच्छे लेवल के कमांडो पहले से ही बैठे थे। वहां पर एक आदमी उनकी ब्रीफिंग ले रहा था कि आप सभी लोग अपनी अपनी जगह के सबसे स्पेशल लोग हैं, इसलिए आज आप सभी लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन अभी आप सभी लोगों को कुछ टेस्ट देने बाकी हैं। तब एडवर्ड को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हम लोगों को क्यों बुलाया गया है। तभी उनमें से एक कमांडो खड़ा होके बोलता है कि यहाँ हमें एलियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुलाया गया है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन एलियंस के लिए बनाई गई है और यहाँ पे जो लोग भी सिलेक्ट होंगे वो मैन इन ब्लैक के मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद में उनका पहला राउंड होता है, एक रिटन टेस्ट। सभी को पेपर और पेंसिल दे दिया जाता है लेकिन किसी तरीके का कोई बोर्ड नहीं दिया जाता जिस पर पेपर को रख कर लिखा जा सके। तभी एडवर्ड वहाँ पे बीच में रखा सेंटर टेबल काफी जोर से खसकाने लगता है अपनी तरफ। हालांकि उसने ये कोई माइनर वाला काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर उसने खुद की इंटेलिजेंस दिखाई थी कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो उसे यूज कर सकता है। सेकंड टेस्ट मेंटल टेस्ट था, लेकिन यहाँ पर मेंटल टेस्ट के लिए सबको गन्स दी गई थी। बाकी के सोल्जर्स शैडो देखते ही फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एडवर्ड वहाँ पे फायरिंग नहीं करता है। वो वहाँ पे रखी एक छोटी सी बच्ची के सर के ऊपर फायर करता है। तब लाइट्स ऑन होने के बाद ही चीफ एडवर्ड से पूछता है कि बाकी सभी लोगों ने एलियंस को शूट किया है, तुमने उस मासूम सी बच्ची को क्यों शूट किया है। तब वहाँ पर एडवर्ड एक्सप्लेनेशन देता है कि यहाँ पे जो भी एलियंस हैं वो अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सीन दिखाया जा रहा है वो रात का है। रात में एक छोटी बच्ची वो भी इतनी बड़ी बुक लेके कैसे घूम सकती है, यानी कि ये बच्ची ही कल्प्रेट है। इसी कारण एडवर्ड उस बच्ची को शूट करता है। इससे पता चलता है कि एडवर्ड का मेंटल लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छा है और इससे पहले एजेंट के ने चीफ डी के सामने एडवर्ड की सिफारिश कर रखी थी कि ये लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट है। अब सभी लोगों का टेस्ट खत्म हो जाता है। चीफ डी सारे कमांडो को एक साथ मिले जाते हैं उन लोगों को न्यूरोलाइज्ड करने के लिए। वो बताते हैं कि 1964 के अंदर ही यहाँ पे न्यूयॉर्क का वर्ल्ड फ्लड हुआ था। यहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारी स्पेसशिप उतरी थी और पहली बार उसी समय पर एलियंस को देखा गया था। ये इंसिडेंट लोगों के सामने कभी नहीं लाया गया, इसीलिए इसे वर्ल्ड फेयर का नाम दे दिया गया और वहाँ पर बस स्पेसशिप रख दी गई। तभी वहाँ पर के एक दरवाजा खोलता
मिलता है और वहाँ पर काफी सारे एलियंस कॉफी बना रहे थे। एडवर्ड जब ये चीज देखता है तब उसको समझ आता है कि के कोई मजाक नहीं कर रहा था। अब के और एडवर्ड एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर के उसे समझाने लगता है कि ये कोई मामूली काम नहीं है। अगर तुम्हें मैन इन ब्लैक का मेंबर बनना है तो तुम्हें अपने खुद की पहचान बनानी पड़ेगी, यानी कि तुम्हारे आगे पीछे मेंबर्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए। ना उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए, ना उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। हर जगह से तुम्हारी पहचान गायब कर दी जाएगी। अगर तुम्हें ये चीज मंजूर हो तो तुम कल इसी पते पर पहुंच जाना। पूरी शाम एडवर्ड वहीं पर बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर उसे ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं। अगली सुबह एडवर्ड उसी जगह पर फिर पहुंच जाता है जहाँ पे वह पिछले दिन था। तब के उसे असली ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाता है जहाँ पे हमें इतने तरह के एलियन दिखते हैं जो हमें कभी कॉमिक बुक में या कि हमारी खुद की इमेजिनेशन में सोचा था कि ऐसी एलियन कभी हो भी सकते हैं। के और एडवर्ड एक लैब में पहुंचते हैं, तभी एडवर्ड के हाथ से एक बॉल टच हो जाती है। उसके बाद में वो बॉल पूरे ऑफिस में तबाही मचाने लगती है। वो इधर उधर जंप करने लगती है, हर चीज तोड़ने फोड़ने लगती है और तभी के उस बॉल को पकड़ के वापस रख देता है। फिर वो बताता है कि बहुत समय पहले इसने हम लोगों का बहुत नुकसान किया था। तब वहाँ पे के कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम जो बचपन में सोचा करते थे वो सच है, तुम्हारे स्कूल टीचर माँ से ही आई थी। अब एडवर्ड का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी रिमूव कर दी जाती है, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट से ही गायब कर दिए जाते हैं। उसे अब इसी ऑर्गेनाइजेशन के कपड़े दिए जाते हैं और अब एडवर्ड का नाम एजेंट जे हो जाता है। चीफ डी वहाँ पर के और जे के साथ में मीटिंग ले रहे थे। वो बताते हैं कि अब जे के साथ में हमें कोई ना कोई मिशन स्टार्ट करना होगा। तब उन लोगों को पता चलता है कि एक एलियन बिना परमिशन के सर को छोड़ के जा रहा है और अब वो इस मिशन पर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोई दो लोग शॉप में आके मिलते हैं और बात करने लगते हैं। उसमें से एक आदमी के पास में एक ऐड थी और वो दोनों लोग दूसरी ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर एडगर आ जाता है। एडगर उनमें से एक आदमी को कहता है गैलेक्सी मुझे दे दो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि गैलेक्सी तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगी। और तभी एडगर उन दोनों लोगों को भी मार देता है और टेबल पर रखे एक छोटे से बॉक्स को चुरा के भागने लगता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों में से एक की जो कैट थी वो कैट अभी भी कहीं नहीं भागी थी, बल्कि वो वहीं थी। अब वहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एजेंट के एक कार को रुकता है और कार के ड्राइवर से पूछते हैं कि अपना आईडी दिखाओ, और तब वो कार का ड्राइवर एक नॉर्मल सा आईडी प्रूफ दिखा देता है। तब के वहाँ कहता है कि अपनी असली आईडी प्रूफ दिखाओ। तब वो ड्राइवर वहाँ पर अपने एलियन का आईडी प्रूफ दिखाता है और के ये पूछता है कि तुम आखिर ये शहर छोड़ के क्यों जा रहे हो। तब वो कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और हमें यहाँ से जल्द निकलना है, हमें इस शहर में खतरा है। तब एजेंट के उसे अपने साथ अपने साइड में ले जाता है और वो जे को कहता है कि तुम यहाँ पे ध्यान रखना। के वहाँ पर वो दूसरे एलियन से पूछता है कि आखिर तुम्हें किस चीज का खतरा है। तब वो बताता है कि दूसरे प्लेनेट के कुछ बुरे एलियन हमारे अर्थ पर आने वाले हैं और अब हमारी पूरी फैमिली खतरे के अंदर है, इसी कारण हम लोग हमारे प्लेनेट पर वापस जाना चाहते हैं। के वहाँ पर जे को कहता है अब हमारे सामने एक मुसीबत की बात है, सारे के सारे एलियन अर्थ को छोड़कर जाने वाले हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा ये पता लगाना पड़ेगा। और तब के वहाँ जे को ले जाता है मैगजीन शॉप के पास। शहर में अगर किसी अजीब तरह की कोई भी घटना होती है तो वह सब कुछ न्यूज़पेपर में या मैगजीन में छपी जाता है। और तब उन्हें एक ऐसी न्यूज पता चलती है कि गांव के अंदर एक औरत दावा करती है कि उसके पति के अंदर एलियन आ चुका है। अब वो दोनों इस बात का पता लगाने पहुँच जाते हैं एडगर के घर पर। एडगर के घर पर पहुँचते ही वो उसके वाइफ से मिलते हैं। उसकी वाइफ उससे कहती है कि ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज पेपर इंटरव्यू लेके जा चुके हैं और कोई भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आप लोग मेरी बात पर हंसेंगे। तब एजेंट के एडगर की वाइफ को कहता है कि आप हमें शुरुआत से सब कुछ बताएं, हम आपके ऊपर नहीं हंसेंगे बल्कि हम इसी चीज का पता लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। एडगर की वाइफ उन्हें सब कुछ बताती है कि उसका पति एकदम से ही चेंज हो गया है, उसकी स्किन एकदम से लटक गई और वो उससे शुगर का पानी मांग के पीता था। तब एजेंट के को पता चल चुका था कि एडगर के ऊपर सच में किसी एलियन ने अटैक किया है और अब वो एडगर की वाइफ की याददाश्त भी मिटा देते हैं। एजेंट के बाहर जाके देखते हैं जहाँ पर बड़ा सा गड्ढा बना था, वहाँ की वो सॉइल उठाते हैं और अपने एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट में उसे डाल के देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक बग का काम है, यानी कि स्टार्टिंग में हमें पता चला था कि एक बड़े से कॉकरोच का काम है। वो सोचते हैं कि आखिर वो सबसे पहले गया होगा तो कहाँ पर गया होगा। तब उन्हें पता चलता है कि हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी को मारने के लिए आया होगा, तो सबसे पहले पहुंचेगा मुर्दा घर में। अब कहानी का सीन शिफ्ट होता है मुर्दा घर के अंदर, जहाँ पर वही दो लोग की लाशें लाई जाती हैं जिन्हें एडगर ने मारा था। उनमें से एक बॉडी के ऊपर वो बिल्ली बैठी थी जो कि स्टार्टिंग से ही अपने ऑनर के साथ में रह रही थी। वहाँ पर अब डॉक्टर
डॉक्टर लॉरेन जब इन बॉडीज को चेक कर रही थी तो ये देखती हैं कि बॉडी नॉर्मल बॉडी से काफी ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि इनके काफी सारे ऑर्गन्स गायब हैं। कुछ समय के अंदर वहाँ पर के और जे भी पहुँच जाते हैं और तब वहाँ पर डॉक्टर लॉरेन कहती है कि अच्छा हुआ डॉक्टर आप दोनों काफी जल्दी आ गए हैं, मुझे आप दोनों लोगों को बहुत कुछ बताना है। और अब डॉक्टर लॉरेन उनके सामने एक बॉडी निकालती है, उस बॉडी को देखते ही के पहचान जाता है कि ये तो एक टूर के लिए आया हुआ एलियन था। इसके बाद वो डॉक्टर दूसरी बॉडी को भी निकालती है और जे को कहती है कि डॉक्टर आप इसे देखिए, ये बॉडी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अब हालांकि हमको पता है कि जे एक डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं है, मतलब वहाँ पर डॉक्टर लॉरेन कहती है कि आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं, इस बॉडी का तो कोई भी ऑर्गन है ही नहीं। तब जे कहने लगता है कि हाँ मुझे तो सब कुछ पता है, इस बॉडी में तो कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पर जे उस बॉडी के कान के पास में कुछ वायरस देता है, जैसे ही वो उसे टच करता है उस बॉडी का फेस ओपन हो जाता है और उस फेस के अंदर वहाँ छोटू सा एलियन था। उस एलियन की हालत बहुत खराब थी, मानो कि वो बस कुछ सेकंड का ही मेहमान है। और फिर वो बोलना शुरू करता है, वो बोलता है रोकने को जंग गैलेक्सी है और एलियन की बेल्ट पर। ये बोलने के बाद वो छोटू सा एलियन मर जाता है। डॉक्टर लॉरेन को भी पता चल जाता है कि उसने इंसानों का पोस्टमार्टम नहीं किया था बल्कि उसने एलियंस का पोस्टमार्टम किया था। और तभी वहाँ पर के डॉक्टर लॉरेन की याददाश्त मिटा देते हैं। बाहर आके जे के को समझाता है कि मरता मरता वो एलियन बोल के गया था कि ऑरन की बेल्ट पर है गैलेक्सी। तब के कहने लगता है कि ये बात बिल्कुल बकवास है, गैलेक्सी इतनी बड़ी है किसी की बेल्ट पे समा ही नहीं सकती है। अब ये दोनों वापस अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि वो जो दो लोग मरे थे उनमें से जो एक एलियन था वो आर्केलियन एलियंस के राजघराने का एक मेंबर था और वो काफी समय से अर्थ पर रह रहा था खुद की गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब जब वो मर चुका है तो आर्केलियन एलियंस हमारी अर्थ पर किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं, या तो उन्हें वो गैलेक्सी वापस चाहिए जो कि अभी तक इतने टाइम से सेफ हाथों में थी, या फिर वो अर्थ को उड़ा देंगे। उन एलियंस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अब टाइम मिला था एक वीक का, जो कि हमारे अर्थ के टाइमिंग के अनुसार करीबन 8 घंटे ही थे। अब वहाँ पर चीफ डी बोलता है कि जे को भी अभी गन की जरूरत है और तभी के वहाँ पर जे को भी एक गन देता है जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि एडगर उस एलियन के शॉप में घुस जाता है जिससे उसने कॉफी शॉप के अंदर मार दिया था। वो एलियन एक ज्वेलरी शॉप ऑनर था। एडगर उसकी पूरी शॉप को बर्बाद कर देता है। एडगर के ट्रक के अंदर उसकी सिप भी थी और अब जब एडगर को उसकी शॉप में कुछ भी नहीं मिलता है तभी उसका ध्यान जाता है उस एलियन के हाथ में जो बिल्ली थी, उसके गले के अंदर एक बेल्ट है और बेल्ट के अंदर ही वो गैलेक्सी है, उसी को लेने के लिए एडगर अब वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वहाँ पर जे और के भी पहुँच जाते हैं और अब वो लोग भी समझ जाते हैं कि एडगर की बिल्ली के गले के अंदर ही वो गैलेक्सी छुपी हुई है। जे वहाँ पर बिना सोचे समझे उस छोटी गन से फायर कर देता है। उस गन के कारण जे बहुत दूर जाके गिरता है और जे को तब पता चलता है कि गन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब वो डॉग के को बताता है कि जैसे उसे गैलेक्सी मिल जाएगी वो ये अर्थ छोड़ देगा। इधर एडगर को पता चल चुका था कि गैलेक्सी उस बिल्ली के गले में ही है और एडगर फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो बिल्ली थी। और अब दूसरी तरफ के और जे भी वहीं पहुंच जाते हैं। जे के को अंदर जाने नहीं देता है, वो कहता है कि बस गैलेक्सी को तो अंदर से बाहर लाना है, ये तो बहुत आसान काम है, तुम अगर अंदर जाओगे तो लड़की की याददाश्त फिर से गायब कर दोगे, इसलिए तुम बाहर रुको मैं अंदर जाता हूँ। और जब जे डॉक्टर लॉरेन के सामने खड़ा होता है, डॉक्टर लॉरेन से इशारे में बताने की कोशिश करती है कि वहाँ पर नीचे उसके पैर पकड़े हुए एडगर बैठा है और वो उसे मार देगा, लेकिन वहाँ पर जे ये भी समझ नहीं पाता है। फिर देरी हो गई थी, जे बाहर नहीं आया था, इसलिए अब के भी अंदर पहुँच जाता है। और जब वो अंदर पहुँचता है तो उन्हें उसी टाइम पता चलता है कि एडगर ने डॉक्टर लॉरेन को पकड़ रखा है और इसी के साथ में उसके पास में गैलेक्सी भी आ गई है, यानी कि ऑरियन का बेल्ट। और अब वो डॉक्टर को साथ में लेके उस ऑब्जर्वेशन टावर की तरफ भागता है जहाँ पे ऑलरेडी शिप्स रखे हुए हैं। अब जे और के भी यही सोच रहे होते हैं कि अगर उस एलियन के पास शिप्स हैं तो वो अर्थ को छोड़ेगा कैसे, यानी कि उसके खुद की स्पेस शिप खराब हो गई है तो वो दूसरी स्पेस शिप कहाँ से ढूंढेगा। तब उन्हें याद आता है कि ऑब्जर्वेशन टावर के अंदर दो दो स्पेस शिप रखी हुई है जो कि चलती हुई हालत में है। अब के वहाँ पर अपनी सुपर फास्ट कार निकालता है और जे को कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो। और अब वो जब टनल से निकलने वाले थे तो टनल में काफी ज्यादा ट्रैफिक थी, लेकिन मैन इन ब्लैक के लिए
ट्रैफिक होना भी मामूली बात ही। अब वो अपनी कार को रूफ टॉप पर चला रहे थे और कुछ ही सेकंड में वो ऑब्जर्वेशन टावर में पहुंच जाते हैं। वो कॉकरोच वाला एलियन डॉक्टर को पेड़ के ऊपर फेंक देता है और खुद वो ऊपर चढ़ने लगता है और चढ़ता चढ़ता उस स्पेसशिप में बैठ जाता है और उसे चालू भी कर देता है। और अब वो ऑलमोस्ट उड़ के एक स्टेडियम के ऊपर पहुंचता ही था कि तभी वहां पर की और जी एक साथ में शूट करते हैं उस स्पेसशिप के ऊपर और वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और घूम फिर के उसी ऑब्जर्वेशन पार्क में लैंड करती है। अब एडगर वहां से बाहर निकल के आता है जिसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब वो के और जे के सामने अपने असली रूप में आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा सा गंदा सा कीड़ा था, एक बहुत बड़ा कॉकरोच जो बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया था। अब वो के और जे को धक्का मार के साइड में गिरा देता है और जब वो दोनों कॉकरोच के ऊपर शूट करने वाले होते हैं और तभी वो एलियन एजेंट के गन को खा जाता है और अब के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जे को बोलता है कि तुम इसे बस स्पेसशिप में पहुंचने मत देना। उसके बाद वो उस कॉकरोच को कहता है कि अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे खा कर दिखा और तभी वो एलियन के को खा भी लेता है। अब जे वहां पर उस एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो स्पेसशिप में ना पहुंच जाए, लेकिन वो कॉकरोच काफी ज्यादा बड़ा था, बार बार जे को काफी दूर तक गिरा देता था। ये सारी चीज डॉक्टर लॉरेन पेड़ पर लटकी देख रही थी। वो कॉकरोच वाला एलियन दूसरे स्पेसशिप की तरफ अब चढ़ने लगता है। एजेंट जे उसे रोक नहीं पा रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि कॉकरोचेस उसके सामने मारने पर उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा उसे तकलीफ होती है। तभी वो एक एक के बाद काफी सारे कॉकरोचेस को अपने पैर से कुचलने लगता है। उन कॉकरोचेस को मरने की आवाज से वो एलियन पागल हो जाता है और जे को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जे ये बात नहीं सुनता है। इतनी देर में एजेंट के उसके पेट में अपनी गन ढूंढ लेता है, वहीं से शूट करता है और पूरा का पूरा एलियन वहीं पर फट जाता है। उसके अंदर से अब के भी बाहर निकल जाता है, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई थी, अभी भी वो आधा कॉकरोच बचा हुआ था। के और जे को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर डॉक्टर लॉरेन पीछे से आती है और जे की गन से उस कॉकरोच को शूट कर देती है और अब जाके जे और के को और इना के बेल्ट यानी कि गैलेक्सी भी अब उनके हाथ में थी। के चाहता था कि जे उसका रिप्लेसमेंट ले ले, यानी कि वो उसका जूनियर नहीं रहकर बल्कि उसका रिप्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि के भी अब रिटायर होना चाहता था और अब जे भी वही चश्मा पहनकर वही न्यूरोलाइजर निकालता है कि हमेशा हमेशा के लिए याददाश्त मिटा देता है। कहानी के नेक्स्ट सीन में हमें एजेंट जे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिस पर लिखा था कि एक आदमी पिछले 35 साल बाद वापस कोमा से बाहर निकला है। वो आदमी एजेंट के था, वो कोमा में नहीं था बल्कि अपनी सर्विसेज MIB को दे रहा था, यानी मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था और डॉक्टर लॉरेन ने भी MIB ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया था। और यहीं पर दोस्तों ये MIB की फर्स्ट कहानी खत्म हो जाती है। और सभी मुझे बताइएगा कि मूवी के एलियन आप सभी को कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोग इसी तरह की एंटरटेनिंग मूवीज आगे देखते रहें। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ इसी सीरीज के नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।